इस दुनिया में प्रथम लिपिबद्ध हुआ ग्रंथ कौन से हैं? नहीं, तत्वासूत्र तो संस्कृत का प्रथम ग्रंथ है। हाँ, शतखंड आगम कौन सा ग्रंथ है? शतखंड आगम प्रथम लिपिबद्ध किए हुए ग्रंथ शतखंड आगम है। उस ग्रंथ कर्ता कौन है? आचार्य पुष्पदंत भूतबलि प्रभुला। उन्होंने शतखंडागम ग्रंथ में मंगलाचरण रूप में क्या लिखा है? क्या लिखा है? प्रणामों का और महामंत्र लिखा है। कौन से चंद में लिखा है? आर्या चंद में लिखा है। कौन से चंद? आर्या चंद में प्रणामों का और मंत्र का मंगलाचरण लिखा है। प्रथम नमोकार लिपिबद्ध करने का श्रेय आचार्य पुष्पदंत भूतबलि भगवान को प्राप्त होता है। देखो शतखंड आगम जैसे प्रथम ग्रंथ राज में भी मंत्र राज को मंगलाचरण रूप में लिखा है। इसलिए नमोकार जैसे बड़े मंत्र दुनिया में कोई नहीं है। नमोकार मंत्र से ही अन्य मंत्र का जन्म होता है। 84 लाख मंत्र का जनक तो नमोकार महामंत्र है। इसलिए नमोकार मंत्र की आराधना, नमोकार मंत्र की विधान, नमोकार मंत्र की जप अनुष्ठान, नमोकार मंत्र का एक एक अक्षर का आप अगर ध्यान करके अर्घ्य देके पूजन किया तो आपके आत्मा एक दिन चित्त करने की मंत्र मोक्ष प्राप्ति कर लेगा। आदि काल से अब तक, अब से अनंत अनंत काल तक कोई भगवान हुए तो वो परमेश्वर बने बिना भगवान नहीं बन सकता। अगर भगवान बनना है तो पहला परमेश्वर बनना जरूरी है। इसलिए हमको परमेश्वर बनना है तो धर्म की अभिरुचि होना जरूरी है। जिसके हृदय में अहंकार रहता है उसके हृदय में नमोकार नहीं रहता। जिसके हृदय में नमोकार रहता है उसके हृदय में अहंकार नहीं रहता।